खबर जनपद चमोली से है, जहां जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बुधवार को खेल मैदान के निर्माणाधीन वॉलीबॉल छात्रावास व बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण दायी को गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर निर्माण दायी संस्थाओं को निर्माण स्थल के समीप बैरिकेडिंग करने और लोहे के खंभे पर लगी बिजली के मोटर को सुरक्षित स्थान पर लगाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि जिला योजना से पेयजल निगम द्वारा 2.7 करोड़ की लागत से वॉलीबॉल छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 20 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। इसके साथ ही जिला योजना से 2.4 करोड़ की लागत से 2 बैडमिंटन कोर्ट बनाए जा रहे हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट।